So I think it's the best match. These dogs are best match for Indian folks. इनको अडॉप्ट कर लिया करो। चलो 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 दोस्तों, ये बैठा साइड में, हम यहाँ चुपचाप जा रहे हैं। रूल नंबर वन, यू हैव टू बी काम। पांच छह बार उसने ट्राई किया, ही डिडंट इवन टच गुल्फी। गुल्फी में या तो मैंने गुल्फी को पीछे खींच लिया या गुल्फी ने ऑटोमेटिक डॉज कर लिया। वो साइलेंट ही आता है ये डॉग ये साइन नहीं देगा आपको क्या अटैक करने वाला, लेकिन एज सून एज यू स्टार्ट मूविंग फॉरवर्ड और वो पीछे छूटता है तो बैक ही ट्राइज टू बाइट यू ऑन द बैक। आई सॉ दैट, मैंने कैमरा उसको बॉडी पे मार दिया, टच कर दिया ताकि ठीक है ये काटू। और वो आज बाहर सोया हुआ था, इसलिए फिर ही गॉट एग्रेसिव आल्सो। जिस दिन वो बाहर होता है उस दिन वो ज़्यादा एग्रेसिव होता है। ठीक है दोस्तों, यही था। अभी और देखते हैं नेक्स्ट डे, फिर अगले दिन क्या होता है, फिर उसके अगले दिन क्या होता है, फिर उसके अगले दिन क्या होता है। दिस माइट बी अ डिफिकल्ट केस, बट इवेंचुअली ही विल काम डाउन। लेट्स सी। अ फ्यू आवर्स लेटर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू डॉग वॉक्स विद गुल्फी। आज हम निकले हैं डॉग वॉक पे, सेकंड टाइम निकले हैं सुबह से, और आज सुबह का इंटरेक्शन आपने देख ही लिया उस वाले डॉगी के साथ में कैसे हुआ था। काफ़ी एग्रेसिव हो गया था वो, फिर से अटैक करने आ रहा था, दो तीन बार आया, बट आई हैंडल्ड इट वेल एंड वुल्फी हैंडल्ड इट वेल। तो दिस टाइम वी आर ऑन अ पैक वॉक, इस टाइम पे हम लोग पैक वॉक पे निकले। सिर्फ गुल्फी नहीं है, गुल्फी के साथ उसके दोस्त भी हैं। तो अब देखते हैं वहाँ पे वो अगर होगा तो कैसे इंटरेक्शन रहता है। हो सकता है पैक देख के ही माइट बिहेव डिफरेंटली स्लाइटली। मैं चाहता नहीं कि कोई लड़ाई हो, तो ये दोनों गुल्फी को लीच पे रखूँगा, इन दोनों को विदाउट लीच रखूँगा ताकि ये दोनों भाग जाएं। और बाय लुकिंग एट द नंबर्स ही माइट बिहेव डिफरेंटली, देखते हैं क्या होता है। दोस्तों हम उसके ब्लॉक के कॉर्नर पे पहुंच गए। ये कोको सामने जा चुकी है और काजू पीछे से आ रही है और जूजू भी आ रहा है। जूजू भी आ रहा है, मैंने रियलाइज नहीं किया था जूजू आ रहा था पीछे से। भाई यहाँ पे वो वाला कुत्ता रहता है ना, तो वो बहुत एग्रेसिव है, तो वो सुबह भी लड़ रहा था। तो पार कर लेगी सड़क पार कर लेंगे, हाँ तो सड़क पार कर लेंगे अगर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा होगा तो। चलो देखते हैं क्या होता है। दोस्तों वी आर एट द कॉर्नर, वो बैठा है अंदर, बैठा पार कर लेते, हाँ पार कर लेते। पार करने क्या, इसने आप अपना घर यहाँ बना लिया, तो अब ये यहाँ पे से जो भी आता है खाली गाय को भी खाली है, वो आती है लेकिन वो अभी यहाँ पे नहीं है। अब मेन कहीं और रहेंगे। हाँ ये ना क्या कर रहा है, ये ना पीछे से अटैक कर रहा है। जब हम आगे निकल जाते हैं तब तक कुछ नहीं बोलता, जैसे हम आगे निकलते हैं तो पीछे से आके एकदम से अटैक करता है। तो दोस्तों मैं थोड़ा लंबा रास्ता ले लिया जानबूझ के, क्योंकि हमारे पास हमारे यहाँ तीन कुत्ते हैं हमारे साथ में, और क्या है कि वो लोग भी तीन हैं, तो हो सकता है इट विल बी अ बिग फाइट। तो आगे बढ़ गए हम लोग, थोड़ा सा दूर से जा रहे हैं। ये रहा गुल्फी, ये रही कोको और वो रही काजू। चलो ठीक है भैया, आगे बढ़ते। अब तो कुछ होगा नहीं मेरे ख्याल से। दोस्तों हम दूसरे कुत्तों के
एरिया में आए हैं वो सामने से देख रहे हैं वो कुत्ते, लेकिन दे आर स्टिल काम कंपोज. तो इनको देखो कितना मजा आ रहा है, ये नए एरिया में जाके डॉगी को कितना स्टिमुलेशन होता है ब्रेन में कि ये हर कोने कोने को सुन रहे हैं. हाँ मैंने इसको बांधा हुआ है. बिल्ली कहाँ है? अपने घर अंदर जा रही है. ओके चली गई ना, आ जाओ उल्फी. तो दोस्तों थोड़ा बहुत नए एरिया में आप लेके जाओ तो आपका डॉगी का ब्रेन बिकम्स वेल, इट्स गुड फॉर देयर ब्रेन. इसके दिमाग में इतनी सारे न्यूरॉन्स फायर कर रहे हैं इस टाइम पे कि भाई ये कौन सी स्मेल है, वो कौन सी स्मेल है, यहाँ पे भी देख लेता हूँ, वहाँ पे भी देख लेता हूँ, सब देख लेता हूँ, यहाँ पे कौन रहता है मैं पता करता हूँ, ऐसे किसने कहाँ पे क्या मैसेज छोड़ रखा है उसको पढ़ रहा है सेंट से. तो एटलीस्ट हिज ब्रेन इज रनिंग, ब्रेन यूज होगा तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा. यूज्ड ब्रेन इज ए गुड ब्रेन. या बिल्ली आ गई है इसके पीछे पड़ गए. वुल्फी इधर आओ. कुछ करती नहीं है, बस मुंह लगाती ही जाएगी फिर टच करती. तो दोस्तों हाँ तो दोस्तों इंटरेक्शन तो मैं नहीं दिखा पाया क्योंकि हम लोग ने सड़क क्रॉस कर ली थी. अच्छी बात है ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं करेंगे क्योंकि सुबह ऑलरेडी लड़ाई हो चुकी है. तो उसकी ब्रेन में अभी तक इमेज ये रहेगी कि अभी ये आया, इससे ये मेरा दुश्मन है, तो उसके साथ में और बाकी कुत्ते भी आ जाएंगे तो हो सकता है सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती. अगर नेचुरली वो बाहर होता तो इंटरेक्शन होती तो मैं आपको ज़रूर दिखाता, बट वी थॉट ऑफ अवॉइडिंग इट बिकॉज उसको नहीं दिख रहा था हम बाहर से कहाँ से जा रहे हैं. तो ज़बरदस्ती की उसको बुला के इंटरेक्शन करने की मेरे को ज़रूरत लगी नहीं. तो यही है अभी, अब बस हम यहाँ बैठ रहे हैं थोड़ी देर, चिल मारेंगे बाहर बैठ के. उल्फी को अंदर अच्छा नहीं लग रहा था तो हम थोड़ी देर बाहर बैठेंगे और फिर जाएंगे. देखो पीछे शूटिंग वगैरह चलती रहती है हमारे यहाँ पर, शूट्स ऑफ शूट्स होते हैं बहुत सारे, लोधिया डिस्ट्रिक्ट में शूट्स बहुत होते हैं. उल्फी बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ. वेरी गुड बॉय. ठीक है दोस्तों अब थोड़ी देर में मिलते हैं. पता नहीं ऐसी जबरदस्ती आंखें खोली ऊपर देख रही है. आपको क्या हो रहा है? कह रहा है मैं मिस कर रहा हूँ कुछ. क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ बोलती, रिलैक्स. कह रहा है मैंने मिस कर दिया. पता नहीं खड़ी हुई एकदम से करने लगी, चील होगी, चील रही होगी उस टाइम पे. अभी ये खड़ी होकर चली गई पता नहीं यहाँ से, और इसको बिना क्लू के ये इधर उधर भागती जा रही है कि क्या हो रहा है. और ये पूछ रहा है, ये पूछने जा रहा है कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है. म्याऊं 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 म्याऊं. लो वापस से बैठ गया दोस्तों, ये बैठ गया दोस्तों वापस से. देखो वेरी गुड बॉय. दोस्तों एक चीज़ देखो, ये देखो ये सड़क में रहती है, ये सड़क पे रहती है, स्ट्रीट डॉग है बेसिकली, कम्युनिटी डॉग मान लो, रहती है सड़क पे ही है. ठीक है सोती यहीं है, खाना वाना इसको कम्युनिटी के लोग देते हैं. शक्ल देखो इसकी, काजू काजू अच्छा एक सेकंड ये शक्ल दिखाओ अपनी. ये देख मिलेगा ऐसा सुंदर डॉगी कहीं पर, ये तुम्हारे सड़क पे रहता है ये डॉगी. तुम जाओगे वहाँ से ब्रीड वाली से खरीद के लेके आओगे, ब्रीड वाला डॉगी लाओगे जो कि लैब्राडोर हस्की और ये सब होंगे. लैब्राडोर हस्की दोनों कोल्ड प्लेस डॉगीज हैं और उसको तुम इंडिया में ले लेते हो. उनका जो ब्रीडर होता है उसकी जो मदर होती है वो इतना ब्रीड करवाता है उससे, इतना इतने बच्चे करवाता है कि वो एक बीमार पड़ जाती है, मर जाती है. जब वो पूरी बीमार पड़ जाती है वो उसको अबैंडन करके छोड़ देते हैं या मार देते हैं, छोड़ देते हैं, अबैंडन कर देते हैं. तो ये इतना सुंदर डॉगी सड़क पे घूम रहा है तुम्हारे, क्या प्रॉब्लम है इसको लेने में? थोड़ा सोच के देखो इस बारे में. गुल्फी को देखो, ये जो बैठा है कान, इसका ये कान थोड़ा टेढ़ा हो गया, पहले ही सीधा था, दोनों कान इसके सीधे होते थे जस्ट लाइक अ जर्मन शेपर्ड.
ये नहीं है सुंदर का, इससे सुंदर मैंने डॉगी आज तक नहीं देखा और इससे ज़्यादा अच्छा वेल बिहेव डॉगी मैंने नहीं देखा। आप जर्मन शेपर्ड ले लो, वो ले लो, लैब्राडोर ले लो, कोई भी ब्रीड वाला ले लो, जब तक आप उसको ट्रेनिंग अच्छे से नहीं दोगे वो बदतमीज सा होता है। ये सड़क पे रहा है, सड़क पे लोगों के बचे कुचे खाने खा के ऐसे जिया है, तो इसका बिहेवियर जो है इट्स वेरी वेरी डिफरेंट। ये छोटे बच्चों के साथ में भी नॉर्मल है, छोटे डॉगीज के साथ में नॉर्मल है, छोटे बच्चों के साथ में कभी किसी को काटना नहीं है। इसने मुझे आज तक नहीं काटा, एक बार काटा गलती से दांत लग गया था। कुत्तों की लड़ाई होती है, ये जाके नहीं मारता किसी को, इसकी किसी की लड़ाई होती है तो वो बस अपने डिफेंस में करता है जो करता है, ज़बरदस्ती किसी के पास अटैक कर नहीं जाता, घर के अंदर भौंकता भी नहीं, क्योंकि घर के अंदर अगर मैंने एक बार मना कर दिया तो भौंकता नहीं है। मतलब ही फॉलोज योर रूल्स, ही फॉलोज योर रूल्स। ये इट वॉज ईजी टू ट्रेन, ये इंडियन डॉग्स होते हैं, दे आर ईजी टू ट्रेन, ईजी टू ट्रेन, और स्पेशली जो कुछ साल तक सड़क पे रहे होते हैं, दे हैव हाई मोटिवेशन फॉर फूड। आप उनको थोड़ा बहुत ऐसे ट्रीट्स भी दोगे तो उसी से वो ट्रेन हो जाते हैं, ट्रेन करने के लिए ट्रीट्स से उनका काम पूरा बन जाता है। प्रे ड्राइव भी बहुत बहुत हाई होती है, जैसे ये लोग चेस करते हैं कैट्स और मंकीज को, तो कोई ऑब्जेक्ट दे दोगे इसको, उसका प्रे ड्राइव, ये प्रे ड्राइव को यूज़ करके आप उसको ट्रेन कर सकते हो। दे आर हाईली ट्रेनेबल, मोस्टली दे आर ट्रेनेबल विद फूड। So why don't you adopt them from the street itself? You don't have to pay a single penny, right? उसके बाद में जब आप ले रख लोगे उसको अपने पास में, then you have to pay for their food, expenses, clothes, medicines. तो वो तो उसमें भी करोगे, ब्रीड वाले में वही सेम पैसे इनके ऊपर खर्च कर दो, क्या फ़र्क है? And they behave the same way they the breed ones too. बस वो दिखने में डिफरेंट होते हैं, ब्रेन सब सारे डॉग्स का ब्रेन एक ही तरीके से फंक्शन करता है, किसी में कुछ एग्रेशन ज़्यादा होता है, किसी में प्रोटेक्शन का ये ज़्यादा होता है, किसी में प्रोटेक्शन का होता ही नहीं है, वो दे आर जस्ट फ्रेंडली। और ये वाले जो हैं दे आर वर्सेटाइल, दे कैन बी एग्रेसिव, दे कैन बी प्रोटेक्टिव, दे कैन बी काम, दे कैन बी क्यूट, किसी भी टाइप से। So I think it's the best match. These dogs are best match for Indian folks. इनको adopt कर लिया करो, ठीक है दोस्तों? आज के लिए यही कहना था मैंने। इस vlog में मेरे पास और कुछ था नहीं ज़्यादा, तो I thought कि ये vlog मैं dedicate कर दूँ dogs को, ठीक है दोस्तों? फिर मिलते हैं।